हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 39 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है, और हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम वगैरह में आते हैं। मास्टर कैटर, लेक्चर कैटर या गेट फिजिक्स वगैरह हो सकती है, नेट फिजिक्स भी होती है यहाँ पे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी रिवर्सिबली बाय टू पास ए टू सी एंड डायरेक्टली एंड अलोंग ए टू बी टू सी एज गिवन इन दी फिगर। तो हमें एक पीवी डायग्राम दे रखी है जिसमें जो वर्क डन है उसके उसके लिए दो तरह के पाथ फॉलो किए गए हैं। एक हमारे पास पाथ दे रखा है ए टू सी डायरेक्टली, दूसरा पाथ है वाया बी। ठीक है जी। सो ड्यूरिंग दी प्रोसेस ए टू सी वर्क डन बाय द गैस इज 100 जूल्स एंड दी हीट अब्सॉर्ब इज 150 जाउल्स। इफ ड्यूरिंग दी प्रोसेस ए टू बी टू सी दी वर्क डन इज 30 जाउल्स दी हीट अब्सॉर्ब इज गिवन बाय। तो हमें क्या करना है, हमें हीट फाइंड आउट करनी है। तो पहले ही क्लियर, अगर क्लियर हो जाता है कि या तो हमें वर्क डन दिया हुआ है या फिर हमें हीट के बारे में बताया गया है, तीसरी क्वांटिटी कौन सी हो सकती है इन दोनों को रिलेट करने वाली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी हो सकती है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दो तरह के पाथ हमें पता है जिनको हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है बेटा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि हीट अगर आपके पास इन्वॉल्व होती है किसी सिस्टम के अंदर, तो इसको क्या कैसे यूज किया जाता है, या तो इंटरनल एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा या फिर उसका वर्क डन होगा। तो वेदर इट इज इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों ही यहाँ पे काम आएंगे। अब यहाँ पे मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि आपके पास स्टेट फंक्शन होते हैं, उसको पॉइंट फंक्शन का नाम भी दिया जाता है। जैसे उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि या तो अगर इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है लेकिन जो डे वर्क डन है या हीट एनर्जी है वो आपके पास पाथ फंक्शन होते हैं। इंटरनल एनर्जी किसी के ऊपर भी आपके पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के पाथ दे रखे हुए हैं, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ड्यूरिंग दी पाथ ए टू सी हमारे पास क्या पता है कि वर्क डन कितना है, 100 जाउल्स। तो हमें पता है कि वर्क डन जो है इट इज 100 जाउल के बराबर दे रखा हुआ है, एंड हीट अब्सॉर्ब कितनी है यहाँ पे, कितनी है 150 जाउल्स के बराबर दे रखी हुई है, उसको हमें यूज करना है। एंड दूसरे पाथ के अराउंड हमें बताया गया है ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कि आपके पास वर्क डन कितना है, 30 है, तो आप हीट एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब होगी वो बताना है। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग दी पाथ ए टू सी हमारे पास दो पैरामीटर दे रखे हैं, हमें हमारे पास यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, तीन हैं, तो तीन में से दो पता है तो एक निकाल सकते हैं। सो ड्यूरिंग दी पाथ ए टू सी हमारे पास क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी विल बी गिवन बाय डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू डाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो यहाँ पे रहेगी या चेंज रहेगा दैट विल बी 50 जूल कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा अगर हम ए से लेके सी तक जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है दैट इज डेल्टा ऑफ यू डी यू लिख दीजिए, दैट इज 50 जाउल। अब ये इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, आप कोई सा भी पाथ फॉलो कर लीजिए, यही पे इसका कैच है, मतलब यही इसका हिंट है, यही इसकी ट्रिक है कि आप इंटरनल एनर्जी को कहीं भी चले जाइए, अगर इनिशियल कंडीशन सेम है कोई सा भी पाथ फॉलो कर लीजिए वो सेम रहेगी, उसका चेंज सेम रहेगा। सिंस इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन मतलब यहाँ पे स्टेट फंक्शन होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी द सेम अलोंग द ऑल द पाथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं कितना आएगा, 50 जाउल्स। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमें पता चल गई, वर्क डन हमें पता चल गया, और इंटरनल एनर्जी निकालनी है, बस इतना ही काम था हमारा, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। ये वाली चीज मैंने कल भी बताई थी, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे, आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चनिंग होती है, और कई और यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज अवेलेबल हैं विच आर स्टेट फंक्शन, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास का जो स्टेट फंक्शन है, मास इज स्टेट फंक्शन, एनर्जी एंथालपी इंटरनल एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यहाँ पे एंट्रोपी एंथालपी टेम्परेचर वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम पार्टिकल नंबर, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो यहाँ पे वर्क डन है और हीट है वो पाथ फंक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं उसको यूज करके भी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो, तो जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब हमने एक पाथ उसका एक्सप्लोइट कर लिया, अब इस पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढनी थी इंटरनल एनर्जी सॉरी हीट
कितनी चेंज हो रही है यहाँ पे। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, 50 जाउल्स हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया था कितना इनर इंटरनल एनर्जी चेंज आ चुका है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है इट इज ऑल्सो गिवन 30 जाउल्स। तो हमारे पास नेट हीट चेंज कितना आएगा, दैट विल बी 80 जाउल, बिकॉज हीट चेंज जो यहाँ पे होगा, हीट चेंज विल बी डिफरेंट, बिकॉज हीट चेंज क्यों डिफरेंट होगा, अलोंग द एबीसी पाथ और एसी पाथ, बिकॉज हीट चेंज जो यहाँ पे है इट इज स्टेट, इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन, ये दोनों पाथ के लिए अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हीट चेंज यहाँ पे 80 जाउल्स आ गया, विच इज आर करंट, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज ऑप्शन बी बचेगा। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, अराउंड द एसी पाथ वहां पे कितना था हीट चेंज, वहां पे 150 था, तो दोनों के पैरामीटर अलग अलग रहे। ठीक है जी, तो हमारे लिए यहाँ पे आज के क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ये करेक्ट हो जाता है। ए ऑप्शन गलत हो गई, सी ऑप्शन गलत हो गई, और डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गई। तो आज के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।